हेलो हाय असल स्टूडेंट्स, इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासमाबाद हैदराबाद। जी स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स समझ रहे हैं, कंटिन्यू है। तो हम आज की क्लास में जो समझेंगे वो एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 समझेंगे। ठीक, क्या करना है क्वेश्चन 1 में? सम फाइंड करना है, सीरीज गिवन है उन सीरीज के सम फाइंड करना है। ठीक है, तो नाइन्थ पार्ट तक पहुंचे। अब देखिए नाइन्थ पार्ट में क्या फाइंड करना है, ये थोड़ा डिफरेंट पार्ट है, तो गौर से समझिएगा ताकि हर चीज आप समझ सकें। कॉपी एंड पेन रखें आपके साथ, नोट भी करते जाएं एंड कंसंट्रेशन से समझिए ताकि हर चीज समझ में आ जाए। अब देखिए जो सीरीज गिवन है उसमें 7 + 7 = 7 प्लस .. 2 एंड। अब सीरीज जो हमें इसमें सम फाइंड करना है तो पहले डिसाइड करें कि सीरीज किस टाइप की है। अब सीरीज में हमने दो टाइप्स पढ़े, एक अर्थमेटिक दूसरी ज्योमेट्रिक। अर्थमेटिक मींस कॉमन डिफरेंस, तो यहां पर कॉमन डिफरेंस 7 नहीं मिलेगा, 7 से 77, 77 से 777 डिजिट्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर वही है, एंड नहीं कॉमन रेशियो 7 मिलेगा इनका। ठीक, तो क्या करेंगे? तो अब देखिए अगर 7 को कॉमन ले लें, कंप्लीट टर्म से 7 कॉमन लेने जाए तो 1 + 11 = 1 प्लस .. 2 एंड टर्म्स ब्रेकेट ओवर। क्लियर, ये बात चीज समझ में आई? 7 कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद 1 टर्म्स आई। ठीक, अब नेक्स्ट टाइम क्या करें, हम इस डिजिट को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9 वी गेट। अब इसमें जो भी टर्म्स है उन टर्म्स को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से डिवाइड भी करेंगे। सो देखें 7 × 9 डिवाइडेड बाय 9, सिंपली 9 मल्टीप्लाई डिवाइड निकाल, बाकी सारे टर्म्स सेम है ताकि इजीली हम समझ सकें। 2 एंड टर्म्स क्लियर ये से। अब देखिए 9 में डिवाइड करेंगे सिमिलरली वही रिमेनिंग टर्म, इसलिए जो भी टर्म आप अपनी तरफ से इंसर्ट करेंगे या तो वो प्लस करेंगे तो माइनस भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टर्म डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन में कोई इफेक्ट ना पड़े एक्स्ट्रा टर्म ले आने की वजह से। ठीक है, तो अब जो 9 मल्टीप्लाई डिवाइड लिखा है तो 9 7 मल्टीप्लाई बाय, ये 9 जो मल्टीप्लाई में है एट डिवाइड बाय 9, इस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे हर टर्म के साथ, 9 9 9 9 9 9 प्लस .. 2 एंड टर्म्स ब्रैकेट ओवर। डिवाइड वाला 9 सेम पड़ा, ऊपर जो मल्टीप्लाई था वो 9 ब्रैकेट के अंदर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया। स्टिल माया समझ में? ठीक, अब देखें 7 × 7 डिवाइडेड बाय 9 सेम है मिडिल ब्रैकेट्स का, अब ये सिंपली 9 है तो 9 को हम 10 - 1 लिखें तो लिख सकते हैं। ये ऐसा क्यों करें? क्योंकि ये सीरीज को पर्टिकुलर एक मेथड के सब सॉल्व करना है, कॉमन डिफरेंस या कॉमन रेशियो जो टर्म है वो सेम मिले तभी जाके हम पर्टिकुलर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते, इसीलिए ये स्टेप्स फॉलो कर। क्लियर, उसके बाद 99 मींस 100 में 1 माइनस करेंगे। ठीक, प्रीवियस क्लास में इस टाइप की सीरीज पढ़ी थी मगर वहां पर 0.9 ऐसे टाइप था, यहां पर पॉइंट नहीं है, होल नंबर है। ठीक है, आगे 99 मींस ये होगा 1000 - 1 प्लस .. 2 एंड नंबर ऑफ टर्म्स, सीरीज चलती जा रही है ब्रेकेट में। क्लियर है ये? ठीक है, तो ये क्या है? ये सम है सीरीज का, तो 7 / 9 ब्रेकेट में। अब देखिए इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव टर्म एंड नेगेटिव टर्म सेपरेट करने जा रहे हैं, तो 10 + 100 + 1000 + .. 2 एंड टर्म्स। ठीक, ये अलग लिखा, आई पास में भी 10 100 1000 अलग लिखा, बाकी नेगेटिव नंबर्स -1 - 1 - 1 उसके बाद -1 -1 -1 -1 -2 ये भी
एन नंबर ऑफ टर्म्स है, ब्रेकेट होगा, क्लियर। नेगेटिव जो वन है वो हर ब्रेकेट में सेम है, वन 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 है, तो वो अलग लिखे, एंड पॉजिटिव टर्म्स अलग एक सीरीज बने, क्लियर जी। स्टेप सही गौर से समझे ताकि हर चीज जरूर समझ में आ जाएगी आपको। सो अब देखिए सम फाइंड करना है इन सीरीज़ का, उससे पहले ये 7/9 तो इसका नाम दे रहे हैं टोटल सम, एसटी यहां पर नाम दे रहे हैं, इसी का ब्रैकेट स्टार्ट, ये 10 + 100 1000 + 2 n टर्म्स, ब्रैकेट ओवर माइनस। अब ये जो 1 1 1 है कंप्लीट हमें नेगेटिव साइन कॉमन ले सकते हैं, तो नेगेटिव साइन को कॉमन लेंगे, बाकी 1 + 1 + 1 + 2 ये भी n टर्म्स तक होंगे, ब्रैकेट ओवर, क्लियर ठीक। अब इस ब्रैकेट एंड इस ब्रैकेट दोनों का सम फाइंड करना है, मगर इस ब्रैकेट के सम फाइंड करना तो सिंपल है, 1 में 1 + 2, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4 + 5 अब तो कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है, तो जनरली बाय डिफॉल्ट उसका तो सम मिल गया 7/9 ये 10, 100, 1000 + 2 n टर्म्स माइनस, तो इसका सम जनरली या बाय डिफॉल्ट होगा n, तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। n क्यों, क्योंकि सेम वही रिपीटेड नंबर 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3 सेम वही नंबर प्लस होता जा रहा है, कहां तक जा रहा है, अप टू n तक, तो जनरली n होगा, n मींस जब n की वैल्यू पता चलेगी तभी जाके हम वो पर्टिकुलर होल नंबर फाइंड कर सकेंगे, ठीक है, क्लियर है ये। तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देकर लाग गया, क्योंकि अब ये एक ब्रैकेट आ रही है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है तो n ही, मगर सीरीज का सेपरेटली पहले इसका सम फाइंड करेंगे, 10, 100, 1000 जो भी है वो, ठीक है। सो देखिए कैसे फाइंड करते हैं, नाउ वी फाइंड सम ऑफ 10, 100, 1000, 2 n टर्म्स, ठीक, ये सीरीज है जो ब्रैकेट में फर्स्ट है, सीरीज को सेपरेटली सम पहले फाइंड करेंगे, जब इसका सम मिलेगा तो उसको वापस से क्वेश्चन 1 में आकर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तभी जाके टोटल सम हमें मिलेगा, ठीक, क्योंकि दो सीरीज सेपरेट की है, आई बात समझ में, क्लियर है। अब कंसंट्रेशन से समझिए कैसे सॉल्व हो रहा है, तो देखें अब पहले इस सीरीज जो गिवन है सीरीज से डिसाइड करेंगे कि सम तो फाइंड करना है, तो सम फाइंड करने का फॉर्मूला कौन सा यूज करें, तो उसके हिसाब से देखें, हियर यहां पर फर्स्ट टर्म जो है सीरीज का दैट इज 10, 10 रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट टर्म, उसके बाद आर मीन फाइंड करके कॉमन रेशियो की हेल्प से ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि सम फाइंड करने का फॉर्मूला कौन सा यूज करें, ठीक है। तो आर टू सेकेंड टर्म इज 100 डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इज 10, तो 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 आंसर मिलेगा। अब देखिए 10 इज ग्रेटर देन 1, 10 ग्रेटर 1 तो मींस कॉमन रेशियो 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर है, तो अब देखिए इजीली फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट और सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो देखिए एज वी नो सम फाइंड करने का फॉर्मूला ऐसा है, इक्वल्स टू ए आर पावर एन माइनस 1 ब्रैकेट 1 आर पावर एन माइनस 1 आर माइनस, ये सम फाइंड करने का फॉर्मूला, इफ कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन 1 देन, क्लियर है। तो ये पहला स्टेप, मींस सीरीज सम तो फाइंड कर सकते हैं, तो सम फाइंड करने का फॉर्मूला कौन यूज करेंगे कौन सा, तो वो आपको डिसाइड करना है, क्लियर। तो आपके सामने ये फॉर्मूला लिखा, अब सिंपली इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें एंड सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखें वैल्यूज आपके सामने मौजूद है, एस एन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए इज 10, सिंपली वैल्यू ऑफ ए इज 10 आ गई, एंड ब्रैकेट में आर आर मींस कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो आर की वैल्यू बी से सॉल्व किया, 10 पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर मींस 10 माइनस 1, तो सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हमने,
क्लियर है। अब इनको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सो आई समझते हैं, अगर साइड पे मूव होते हैं, सम ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू 10 7 विद 10 मल्टीप्लाई हो रहा ब्रैकेट में, मगर ब्रैकेट में टर्म्स अलग है, ब्रैकेट 10 पावर एन 7 रहेगा, पावर एन मींस कोई पर्टिकुलर होल नंबर नहीं है तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, डिवाइडेड बाय 9, 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 होगा, ठीक है। तो ये सम जो पहले 10 डिवाइडेड बाय 9 ब्रैकेट में 10 पावर एन माइनस 1 ये सम मिला, जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें फर्स्ट जो सीरीज है उसका, सेकंड सीरीज 111 की तो सम तो जनरली बाय डिफॉल्ट एन दे दिया है, क्लियर है, ठीक। अब इसका सम मिल चुका तो क्या करेंगे, वापस इक्वेशन 1 की तरफ मूव होते हैं, इक्वेशन 1 को टेक आउट करेंगे एंड देखते हैं क्या आंसर आएगा। सो देखें नाउ इक्वेशन नंबर 1 becomes equation 1 is sum of total sum of the series that is a bracket may comes in 10 100 1000 plus dot dot 2 n terms minus n bracket over, तो ये है equation number 1 आपके सामने मौजूद है, ठीक। मगर 7 upon 9 7 divided by 9 remains same, ये same सही है, जो इक्वेशन वन थी वो एज इट आपके सामने लिखी हुई है, सही है। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम समझेंगे अब कौन सी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं वो देखें, ये एस टी इन टोटल सम इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 9 7 ब्रेकेट स्टार्ट, ये जो टर्म सीरीज इस सीरीज का सम हमारे पास मौजूद है, ये सीरीज 10 100 1000 जो कैलकुलेट किया है, इस सीरीज का सम क्या मिला 10 अपॉन 9 ब्रैकेट में 10 पावर n माइनस 1, तो ये इस सीरीज का सम माइनस ये n सम ब्रैकेट ओवर, क्लियर। जस्ट इस ब्रैकेट की जो सीरीज है अंदर उसका सम कैलकुलेट किया सेपरेटली, वो सम ये आपके सामने स्क्रीन पे है, तो इसकी जगह पे इसका सम लिखा रिमेनिंग टर्म से, तो ये है फाइनली टोटल सम। आप इनको मजीद कुछ भी नहीं कर सकते, हर टर्म में पावर फ्रैक्शन में टर्म है पावर है, वो पावर अगर पर्टिकुलर कोई होल नंबर होता तो सिंप्लीफाई कर सकते, होल नंबर नहीं है तो इसलिए यहां पर इसको लीव इट खत्म कर दिया, आई बात समझ में क्लियर है, ठीक। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा टिपिकल जरूर था, समझा। तो पहले आप इस वीडियो को गौर से कंसंट्रेशन से समझें एक बार दो बार तीन बार ताकि फुली आपको इजीली समझ में आ जाए एंड देन उसकी प्रैक्टिस करें, क्लियर है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपके स्टेप्स जहन आ जाएंगे, समझ में आएंगे ये स्टेप क्यों आ रहा है क्यों कर रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके माइंड में होंगे तो क्लियरली हो जाएंगे, वो समझें एंड देन प्रैक्टिस करें, सही है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आप वो प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम इजीली समझें सीखें एंड प्रैक्टिस करें। So, okay, students, Allah Hafiz.